आप सभी को नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरुथी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज ये अनाउंसमेंट है मेरे रियाज सेशंस के बारे में, जिसके बारे में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि अभी इनके एडमिशन्स आज ही से, जब से वीडियो अपलोड हुई है तो आज से ओपन हो गए हैं, और ये बहुत ही कमाल के रियाज सेशंस होते हैं। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा उन लोगों का भी कहना है जो कि इन सेशंस में करीबन पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये सेशंस ये जो हैं ये 3 साल से चल रहे हैं, और सभी का अभी तक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला। इसके बारे में मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि इसका फॉर्मेट किस तरह होता है। और जैसे कि आपने ये नाम सुना कि ये लाइव रिया सेशंस हैं, लाइव वन ऑन वन सेशंस नहीं है, तो इस बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी बात या अगर स्टार्टिंग की कुछ बात आप सुनेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि ये पूरा फॉर्मेट जो मैं बोल रहा हूँ कि कमाल का है तो वो किस लिए है और क्यों है। तो उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से देखनी होगी। तो देखिए, ये एक तरफ का सेशन है, यानी कि लाइव रिया सेशन, लाइव वन ऑन वन, इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा। तो एक तरफ क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन मेरे साथ जब जुड़ते हैं सेशंस के दौरान, तो मैं अपनी जगह पर बैठकर जो भी गा बजा रहा होऊंगा, रियाज कर रहा होऊंगा, वो एग्जैक्टली आपको सुनना है, उसको फॉलो करना है और अपनी जगह पर बैठकर उसको अच्छे से रियाज करना है। तो ये एक तरफा हुआ। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में एक डाउट आएगा कि मैं अगर आपको सुन ही नहीं सकता और अगर आप मुझे सुना नहीं सकते हैं तो आप सही गा रहे हैं या गलत गा रहे हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो देखिए, रियाज सेशन के दौरान तो मैं आपको सुन नहीं पाऊँगा, आप मुझे ज़रूर सुन पाएंगे, मगर यहाँ पर रिकॉर्डिंग की सुविधा भी रखी गई है। रिकॉर्डिंग ये कि आप मुझे एक ऑडियो क्लिप भी भेज सकते हैं, या एक अपना 9 से 10 मिनट का वीडियो जो होगा तो वह आप मुझे बनाकर भेजेंगे एक फीडबैक के लिए, तो मैं उसको सुनकर एक बार आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप ठीक गा रहे हैं या गलत गा रहे हैं, या आपको किस किस रियाज की ज़रूरत है और किस किस रियाज की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे एक साथ जुड़ते हैं, ये एक पूरी ग्रुप क्लास होती है, और क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो मैं सभी को वन ऑन वन अगर मेरा इंटरेक्शन होगा तो मैं किसी को भी ढंग से वक्त नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए रियाज के दौरान तो मैं आपको नहीं सुन पाऊंगा, मगर उसके बाद जो है वो आप रिकॉर्डिंग भेजकर आप अपना एक फीडबैक ज़रूर उसके ऊपर ले सकते हैं कि आप ठीक गा रहे हैं या गलत गा रहे हैं। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि सेशंस में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के मैंने पैकेजेस डिज़ाइन करे हैं कि जिनको अगर रिकॉर्डिंग नहीं भेजनी है, जो कंफर्टेबल नहीं है सिर्फ मुझे सुनने के बाद वो अपना रियाज करना चाहते हैं मेरे साथ साथ, तो उसका एक मैंने अलग पैकेज बना दिया है। और जो रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं, जो फीडबैक लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैंने एक पैकेज अलग डिज़ाइन किया है। तो दो पैकेजेस हैं, उसकी डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी उससे पहले जो पूरा फॉर्मेट है वो समझ लीजिए। ये रियाज सेशन कमाल का क्यों होता है, क्योंकि जब मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो मैं सही के साथ साथ गलत भी बताता हूँ कि क्या करना चाहिए वो तो है, मगर क्या नहीं करना चाहिए और जो चीज़ करनी चाहिए उसको किस किस तरह से आपको रियाज करना चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, तो वो बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है मेरी तरफ से। और यही चीज़ को देखिए, बहुत सारे लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि सुन नहीं सकते हैं फिर भी ऐसा क्यों है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ इसमें ख़राबी होती तो लोग ढाई तीन साल से लोग जो है वो स्टार्टिंग से जुड़े हुए अभी तक ना होते। अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे हर महीने जो है वो कंटेंट जो है, मैं सेशन जो लेता हूँ वो मुझे हर महीने वो मौका नहीं मिलता। तो बट मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी। तो देखिए, 14 दिन का लाइव रिया सेशन होता है। 14 दिन में, 14 दिन के अंदर 21 लाइव रिया सेशंस होते हैं। अब देखिए वो कैसे कि इसमें हर महीने कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। जैसे कि सुबह के जो सेशंस होंगे ये 14 होंगे, उसके अलावा उन्हीं 14 दिनों के अंदर शाम को सात दिन तक शाम के सेशंस भी होते हैं। सुबह के टाइमिंग्स जो हैं वो सुबह 5 से 6:30 बजे का सेशन होता है, और जो शाम को सेशन होता है उसके जो टाइमिंग्स हैं वो है 7 बजे से 8:30 बजे तक। तो अब देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि ये सुबह का टाइम और शाम का टाइम सुनने के बाद उनको अपने अपने काम, अपना अपना शेड्यूल सबको याद आ गया होगा। तो यहाँ पर भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से अपनी क्लास को मिस कर देते हैं या आपसे क्लास मिस हो जाती है तो उसमें भी टेंशन वाली एक बात नहीं है, क्योंकि जो भी हम सेशन लेते हैं तो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो और वो इसीलिए भी है
कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश विदेश से जुड़ते हैं। मैं तो अपनी क्लासेस इंडिया से कंडक्ट कर रहा हूं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यूएस के जुड़े हैं या यूके से जुड़े हैं, जहां पर इंडिया और वहां के हिसाब से काफ़ी टाइम जोन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो बट फिर भी लोग जुड़े हैं वो इसी वजह से, क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। सो अगर आपसे क्लास मिस हो जाती है और टाइम जोन का डिफरेंस भी है, तो आप उसके रिकॉर्डिंग के साथ बाद में अपने हिसाब से कभी भी रियाज कर सकते हैं। इन सभी रिकॉर्डिंग्स का जो ओवरऑल ड्यूरेशन होता है, जब से क्लास स्टार्ट होती है वो पहला दिन गिना जाता है, जाहिर सी बात है, तो तब से लेकर ओवरऑल 21 दिन तक सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास उपलब्ध रहती हैं। उसके बाद उन रिकॉर्डिंग्स को प्राइवेट कर लिया जाता है, कोई यूज़ भी नहीं रहता उन रिकॉर्डिंग्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव ही अटेंड कर लेते हैं, तो जब लाइव अटेंड करते हैं तो रिकॉर्डिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक दो बार देख ली है तो उसके बाद भी वो मतलब पूरा कंटेंट वो पूरा नोट कर लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है, तो बार बार रिकॉर्डिंग्स की ज़रूरत जो है वो सभी को नहीं पड़ती है। तो बट एक बैकअप प्लान मैंने हमेशा रखा हुआ है कि ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्कूल वाले बच्चे हैं जिनको सुबह स्कूल जाना होता है, या ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, या शाम को बिजी होते हैं, तो इसलिए रिकॉर्डिंग की जो सुविधा है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आती है। अपने टाइम के सहूलत के हिसाब से आप कभी भी उसके साथ रियाज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट देखिए इसमें सभी के लिए है, बिगिनर लेवल वालों के लिए भी है, इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए भी है, और एडवांस लेवल वालों के लिए भी है। राग की तालीम भी ज़रूर रहती है। अब यहाँ पर देखिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो, जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशन, सुबह का रियाज, खरज का रियाज, सरगम, पलटा, अलंकार, आकार, ये सारी जितनी भी कॉमन चीज़ें आप सुनते आते हैं, जो आपने कई बार सुनी ही है, इन सब का रियाज होता ही होता है। इसलिए कोई ज़ीरो से भी अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो ये सेशन उनके लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पर राग की जो बात होती है वो ये होता है कि जो सुबह वाले सेशन होते हैं, तो सुबह वाले सेशन में भी एक राग चल रहा होता है और शाम वाले सेशन में भी एक राग चल रहा होता है। सुबह वाले सेशन में सुबह का राग चलता है, शाम वाले सेशन में जो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत जितने भी राग आते हैं उनका एक हिसाब बटा हुआ है समय के हिसाब से, कि शाम का राग ये है, सुबह का राग ये है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा रियाज करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ में बिगिनर्स के लिए भी हम बिलावल का भी रियाज करते हैं, यानी कि शुद्ध स्वरों का भी रियाज करते हैं, या कोई भी इन सभी चीज़ों को कैसे रियाज कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर तो चर्चा चलती ही रहती है। इसलिए किसी भी लेवल वालों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसमें कभी कभी हम क्या करते हैं कि 14 दिन जो है वो सुबह के सेशन चलते हैं, तो शाम वाले 7 होते हैं, तो कभी कभी शाम वाले सेशन 14 दिन होते हैं, सुबह वाले 7 होते हैं, तो इस तरह भी पलटता रहता है। ये राग के रियाज के अनुसार जो है हम चेंज करते रहते हैं। तो इस बार क्या फॉर्मेट होगा और भी क्या क्या चीज़ें हैं, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, जिसको हम गुरु दक्षिणा बोलते हैं, वैसे तो हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार इसको गुरु दक्षिणा ही बोला जाता है, ये वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से इसको फीस बोला जाता है, मगर आपको जैसे समझ में आता है वो वर्ड आप ज़रूर अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर बहुत देर से एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है, कॉल की सुविधा इसमें नहीं है। बहुत सारे लोग एक साथ कॉल कर देते हैं तो जाहिर सी बात है सभी को जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बड़ी प्रार्थना के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर ज़रूर दिए जाएंगे। और भी कुछ ऐसी जानकारियाँ हों जो आपको लगता है कि शायद मैंने इस वीडियो में बोलना मिस कर दिया है, तो निसंकोच होकर आप व्हाट्सएप कीजिए और अपनी जानकारी उससे लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एडमिशन्स ओपन होते हैं, तो जब एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं तो वहाँ पर उसके बाद फिर आपको यही मैसेज आएगा कि एडमिशन्स जो हैं वो क्लोज कर दिए गए। तो फटाफट फ़ोन उठाइए और जुड़ जाइए सिद्धांत संगीत महाविद्यालय से। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, नमस्कार।